हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 7 ड्रेपिंग स्टाइल। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें से फर्स्ट वाला जो लुक है तो ये है। तो इसे बनाने के लिए साड़ी के जो दोनों कॉर्नर है उसको मिलाकर साड़ी का एकदम से सेंटर हमें लेना है। और सेंटर को इस तरीके से हम बराबर ले लेंगे और पीछे से हमें इसको इस तरीके से लाते हुए थोड़ा कमर से थोड़ा ऊपर की तरफ हमें इस तरीके से साड़ी के कॉर्नर को इस तरीके से हमें अभी कॉर्नर यानी कि साड़ी के जो बीचों बीच लिया हुआ है और उसको अब मैं इस तरीके से इसकी नॉट बांध दूँगी। थोड़ा सा नॉट जो है तो थोड़ी टाइट बांधना है ताकि आगे हमें इस पर थोड़े से प्लेट्स वगैरह भी डालने हैं तो अच्छी तरीके से बांध लें। अब यहाँ पर साड़ी के दोनों कॉर्नर है उसको मैं लूँगी और इस तरीके से ऊपर की तरफ नॉट बांधते हुए ऊपर की तरफ गले के पीछे मैं इसको डाल दूँगी। और यहाँ पर इस तरीके से फैब्रिक को लेते हुए बाकी का बचा हुआ जो फैब्रिक है उसके हम प्लीट्स बना लेंगे। और प्लीट्स को इस तरीके से अभी मैं राइट साइड में टक करूँगी और देन हमें लेफ्ट साइड में भी इसी तरीके से प्लीट्स बनाकर टक कर देना है। और एक बात दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले ऐसे ही वीडियोज़ को नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो देखिएगा, यहाँ पर इस तरीके से हम इसको अच्छे से अरेंज करेंगे ताकि एक एक प्लीट्स हमारी यहाँ पर निखर कर दिखाई दे। इसलिए अब ये वाला जो ऊपर का पार्ट है तो इसको हम इस तरीके से लेंगे। हमारे जो फ्रंट है वहाँ पर हमें इसको अच्छे से सेट करना है। तो इसकी देखिएगा दोनों कॉर्नर आएगी, फ्रंट पर हम अच्छे से सेट करेंगे और दोनों जो कॉर्नर है उसको मैं यहाँ पर इस तरीके से लूँगी और एक पिन के साथ मैं इसको अटैच कर दूँगी। ये साड़ी थोड़ी, इसका जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा पतला है तो इसके लिए किसी जींस पर वगैरह भी हम इसको वेयर कर सकते हैं। तो देखिएगा इस तरीके से वेस्ट बैंड हम लगा लेंगे और ऊपर की जो अभी नॉट हमने बांधी थी इसको हम इस तरीके से लेंगे और इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे यहाँ पर, तो एक अलग लुक हमारा आता है। और इसको इस तरीके से लेंगे और ऊपर की तरफ लेकर मैं इसको नॉट बांध लूँगी पीछे की तरफ से। सामने की तरफ आपको इस तरीके से इसको खींचना है और एक सेफ्टी पिन हम यहाँ पर लगा लेंगे। यहाँ पर एक सेफ्टी पिन मैं लगा लूँगी। तो देखिए कि यहाँ पर इस तरीके से ट्विस्ट करने के बाद इसका एक अलग ही लुक आ जाता है। और ये अभी ऊपर की तरफ से ये फैब्रिक आ जाता है जो प्लीट्स हमने बनाई थी उसके ऊपर। तो इसको हमें पीछे की साइड में लेना है और यहाँ पर एक बो की तरह हमें इसको इस तरीके से बांध लेना है। तो पीछे की तरफ अगर आपकी साड़ी थोड़ी पतला वगैरह है तो वो भी कवर हो जाता है, पीछे से हमारा लुक कुछ इस तरीके से आएगा। और सामने की तरफ से हमारे इस तरीके से रिंकल्स आ जाता है, प्लीट्स एक अच्छे तरीके से दिखाई देते हैं। तो देखिएगा इस तरीके का लुक यहाँ पर मेरा आया है और बहुत ही सुंदर ये लगता है। पहले मैंने जीन्स और टॉप पर वेयर किया था तो इतना अच्छा नहीं लगता, और इस तरीके से आप वेयर करते हैं तो बहुत ही सुंदर आपका लुक आने वाला है। किसी भी पार्टी फंक्शन के लिए आप इसको ईजिली वेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपके साथ सेकंड वाला लुक शेयर करना चाहूँगी जो कि ये है। बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छा ये भी लुक लगता है, किसी भी फंक्शन पार्टी पर आप इसको इजीली वेयर कर सकते हैं। तो इसे बनाते हैं, तो इसे बनाने के लिए हमें इस तरीके की रबर बैंड की ज़रूरत पड़ेगी। इसको मैं इस तरीके से हम फ्रंट पर इस तरीके से ऊपर से मैं लगा लूँगी, ऊपर की तरफ से लगा लेना है। और यहाँ पर साड़ी का जो कॉर्नर है एक तरफ का उसको लेना है और इस तरीके से हमें 10 यानी कि 5-6 प्लेट्स हम यहाँ पर बनाएंगे और इसको इस तरीके से हम अरेंज कर देंगे। बाद में जो फैब्रिक है उसको पीछे से सामने की तरफ लेकर आना है और दूसरी जो कॉर्नर है साड़ी की तो उसके भी इसी तरीके से हमें 5-6 प्लेट्स बना लेने हैं और सामने की तरफ हमें फ्रंट पर इसको लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ से इसको टक कर देना है इस तरीके से। पहले हमने राइट साइड में टक किए थे, अभी ये लेफ्ट साइड में हम इसको इस तरीके से अच्छे से अरेंज करेंगे इसको, और इसको अभी मैं इस तरीके से टक कर दूँगी। तो देखिएगा हमारा जो फ्रंट है एकदम से कवर हो जाएगा। और बाद में बची हुई जो साड़ी है उसको बैक में हम इस तरीके से लेंगे और इसके भी हम इसी तरीके से 5-6 अभी प्लीट्स बन जाएंगी। इसको इसी तरीके से प्लीट्स बनाने हैं और इसको भी हमें पीछे की साइड में पूरी तरीके से अच्छे से कवर करते हुए टक कर देना है।
तो इसको इस तरीके से मैंने कवर कर लिया है। तो सामने हमारा फ्रंट और बैक इस तरीके से कवर हो जाएगा, और इस तरीके से एक वेस्टबैंड लेंगे और इसको हम इस तरीके से अच्छे से लगा लेंगे। बाद में यहाँ पर जो फ्रंट का पोर्शन आता है तो इसको सेफ्टी पिन से हम इसको कवर कर लेंगे। तो ये वाला लुक, तो इस तरीके से हमारा जो फाइनल लुक है वो दिखाई देगा। ये भी लुक बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से हमारा लुक रेडी हो चुका है। नीचे से भी फ्रिल वगैरह बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी दिखाई देती है। और ये एक जॉर्जेट की साड़ी है, नॉर्मल साड़ी के साथ ही मैंने इसको वेयर किया हुआ है। अभी मैं आपको थर्ड स्टाइल दिखाऊंगी, ये भी बहुत ही ईजी है और बहुत ही अच्छा लुक हमें देती है। तो दोस्तों, इसे बनाने के लिए जो फर्स्ट स्टाइल हमने किया था क्रिएट, उसी में से हम बनाएंगे। जो नीचे के प्लीट्स वगैरह बने हैं वहाँ पर जो सेफ्टी पिंस लगाई थी वो निकाल दी है, और ऊपर की तरफ यहाँ पर जो दोनों कॉर्नर है साड़ी के उसको हम इस तरीके से ऊपर से खींचेंगे। अब खींचने के बाद नीचे का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा इस तरीके से इधर उधर हो जाता है, तो उसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे इस तरीके से। बाद में इसको हमें इस तरीके से खींचना है और यहाँ पर एक इस तरीके से नॉट बांध लेनी है, और नॉट बांध कर नीचे का पोर्शन हम बराबर कर देंगे। और इस तरीके से अभी ये जो पोर्शन है तो इसकी हम स्लीव्स बनाएंगे। यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से ये पोर्शन आ जाएगा, इसको इस तरीके से लेना है, और पीछे की साइड में हम इसको सेफ्टी पिन लगा कर सेट कर लेंगे, और पीछे से भी इसको हम इस तरीके से अच्छे से कवर कर लेंगे। तो ये हमारा जो पोर्शन है वो इस तरीके से सेट हो चुका है। और फिर से जो सामने की तरफ हमने सेफ्टी पिंस लगाई थी वहीं पर हम फिर से सेफ्टी पिंस लगाएंगे एक दो। तो ये भी ड्रेपिंग बहुत ही सुंदर लगती है। एक ड्रेपिंग से आप इस तरीके की दोनों स्टाइल बना सकते हैं, और बहुत ही इजी और बहुत ही सुंदर ये लगता है। आपको कौन सी ड्रेपिंग स्टाइल अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिएगा कितना अच्छा मेरा ड्रेस रेडी हो चुका है। अलग अलग स्टाइल हम एक ही साड़ी के साथ कर सकते हैं। आप चाहे तो अलग अलग तरीके की साड़ी के साथ इसको ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही सुंदर लगता है। अभी जो फोर्थ स्टाइल है ये भी बहुत ही सुंदर है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक मेरा यहाँ पर आया है। ये भी बहुत ही ईजी है, तो चलिए इसे देखते हैं। तो इस वाले लुक को क्रिएट करने के लिए भी हमें रबर बैंड की ज़रूरत पड़ेगी। और बाद में जो साड़ी है सो इसको हम लेंगे और इसी तरीके से इसके हमें पूरे प्लीट्स बना लेने हैं, पूरी साड़ी के हमें प्लीट्स बना लेने हैं। ये जो स्टाइल है ये भी बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही सुंदर है। और आज मैं आपको आपके साथ सेवन स्टाइल शेयर कर रही हूँ। तो देखिएगा इस तरीके से हम इसको अभी रबर बैंड से ऊपर की तरफ से इसको इस तरीके से निकालेंगे। जो फ्रिल की तरह ये लुक आता है, सो हाफ जो साड़ी है ऊपर की तरफ से हम इस तरीके से खींचे है, और इस तरीके से पूरा जो पोर्शन है मैंने कवर कर लिया है। अब यहाँ पर जो बचा हुआ हमारा फैब्रिक है इस तरीके से जो ओपन है, तो यहाँ पर सेफ्टी पिंस लगा कर हम इसको सिक्योर कर लेंगे। और आप चाहे तो यहाँ पर प्लीट्स थोड़ा सा छोटे छोटे, एकदम से छोटे छोटे प्लीट्स भी आप यहाँ पर टक कर सकते हैं, ये भी बहुत सुंदर लगता है। तो देखिएगा इस तरीके का लुक हमारा ये क्रिएट हो चुका है, बहुत ही सुंदर ये लुक हमारा देता है। और ऊपर की तरफ आप, अगर आपको लगता है कि ऊपर की जो फ्रिल है वो कम है या ज़्यादा है, नीचे का लेंथ भी आपको अगर ज़्यादा चाहिए तो ऊपर के फ्रिल आप थोड़ा सा नीचे करेंगे, साड़ी को खींचेंगे तो आपके ऊपर के फ्रिल छोटी हो जाएगी और नीचे का जो ड्रेस है वो बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से भी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। ये जो साड़ी मैंने ली है सिंपल सी जॉर्जेट की साड़ी है। इसका जो फैब्रिक है एकदम से सॉफ्ट है और ये एकदम बहुत ही पतला है, सो इसकी वजह से इस पर मैंने जीन्स वगैरह भी वेयर किया हुआ है। तो देखिएगा इस तरीके से हम इसको वेयर करेंगे, बहुत ही सुंदर लुक हमें देता है। अभी जो फिफ्थ स्टाइल है ये भी बहुत ही सुंदर लगता है और ये भी बहुत ही इजी है। तो इसे बनाने के लिए हमने जो पहला वाला जो स्टाइल क्रिएट किया था उसी में से हम इसको क्रिएट करेंगे। देखिएगा यहाँ पर जो हमने सेफ्टी पिन लगाई थी तो यहाँ से हमारा जो पोर्शन है वो इस तरीके से खुला पिन लगाने के बाद हो जाता है निकालने के बाद, और इसको हम इस तरीके से सेट करेंगे। और सेट करने के बाद आप इसको वेस्ट बैंड से लगा लेंगे तो इस तरीके से आपका जो लुक है वो आ जाएगा। बहुत ही इजी है, आप देख सकते हैं। आपको जो स्टाइल पसंद आए वो स्टाइल आप इस पर रख सकते हैं। फर्स्ट वाला भी बहुत ही सुंदर था और ये वाला भी बहुत ही सुंदर है। आपको जो पसंद आए वो आप इस पर क्रिएट कर सकते हैं। आपको कौन सी स्टाइल अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी जो सिक्स्थ स्टाइल है ये भी बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे भी बना लेते हैं फटाफट। तो इसे बनाने के लिए साड़ी जो है तो हमें
इस तरीके से दोनों कॉर्नर को मिलाना है। और इस तरीके से साड़ी को कॉर्नर से मिलाने के बाद हाफ साड़ी हमें यहाँ पर हमारी बन जाएगी। दोनों जो कॉर्नर है लास्ट वाले उसको हम इस तरीके से लेंगे और यहाँ पर अभी मैं इसकी नॉट बांध लूँगी। पीछे से हमने इसको सामने की तरफ लाया है। अभी ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पैरों से हम पीछे से सामने की तरफ इस तरीके से निकालेंगे। और साड़ी जो है हमें पूरी आधी चाहिए, हाफ साड़ी चाहिए, सो इसको इस तरीके से लेंगे और यहाँ पर हमें इसको इस तरीके से ट्विस्ट करते जाना है। ये स्टाइल बहुत ही इजी है और बहुत ही कंफर्टेबल भी है। लॉन्ग ड्रेस इसका एकदम से अच्छे तरीके से बन जाता है। इसको इस तरीके से बनाना है और ऊपर की तरफ आप लेंगे, हमें लेना है और इसको पीछे की तरफ से इसको इस तरीके से मैं इसकी नॉट बांध लूँगी और सामने की तरफ से इसको इस तरीके से जो हमारी रेडीमेड जो ड्रेस वगैरह होते हैं उसकी तरीके से इसका नेक वगैरह बन जाता है। यहाँ पर हमें सेफ्टी पिंस लगा लेने हैं दोनों तरफ से। और बहुत ही सुंदर और यूनिक और बहुत ही ईजी ये स्टाइल है, एकदम से परफेक्ट फटाफट ये बन जाता है। तो देखिएगा इस तरीके से हमारा जो स्टाइल है वो रेडी हो चुका है। पीछे से भी इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। देखिएगा कितना अच्छा ये लग रहा है। जो डंगरी पैटर्न वगैरह ड्रेस होता है उसमें जो लुक आता है उसी तरीके से ये लुक लग रहा है और बहुत सुंदर है। नीचे से भी पूरा पोर्शन वगैरह पूरा जो वो अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है और बहुत ही अच्छा ये लगता है। तो सेवंथ वाला स्टाइल जो है तो वो भी बहुत ही सुंदर है और बहुत इजी है। तो चलिए इसे भी फटाफट से देख लेते हैं। तो देखिएगा जो पहले हमने स्टाइल बनाया था उसी में से इसको हम बना लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर इस तरीके से सिर्फ हमें पीछे का जो पोर्शन है, जो पीछे हमने नॉट बांधी थी, सो इसको हम इस तरीके से इसको थोड़ा सा स्टाइलिश लुक देंगे। पीछे से हमें इसको लेना है और थोड़ा सा ढीला पोर्शन में हमें इसकी नॉट बांध लेनी है और इसको इस तरीके से हम ट्विस्ट करते हुए इसको बना लेंगे। तो देखिएगा ये एकदम से ईजी बन जाता है और आप चाहे जिस तरीके से आपको रखना है उस तरीके से आप इसको रख सकते हैं। ये भी बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत ही इजी है। आई होप आपको सभी स्टाइल पसंद आए होंगे। आपको कौन सा स्टाइल अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।